ब्राह्मण तुम खड़े हो और बताओ काल का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है शाब्दिक अर्थ काल का? समय। ठीक है, बैठ जाओ। क्या है काल का शाब्दिक अर्थ? समय है बच्चों, सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के कितने प्रकार होते हैं वो बताएगा रमन, रमन जोगी बताएगा आपकी बार। काल के कितने प्रकार होते हैं? तीन। बैठ जाओ, बहुत अच्छा, शाबाश। नेक्स्ट प्रश्न है, काल के प्रकारों के नाम बताना है, कौन कौन से हैं ये अब कौन बताएगा? हाँ, जिसको पता है वो पहले अपना हाथ खड़ा करेगा। तुम्हें नहीं आता क्या? हाँ तुम बताओ, हाँ तुम बताओ। राम, वर्तमान काल। हाँ ठीक है, वर्तमान काल, हाँ भविष्य काल, भूतकाल और भूतकाल। काल के तीनों प्रकार के नाम क्या है? वर्तमान काल, वर्तमान काल, सेकंड बताया भूतकाल और भविष्य काल। शांति, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। भविष्य काल, चुप रहे। भविष्य काल, काल के कितने प्रकार है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों प्रकार है काल के। नेक्स्ट प्रश्न है, रमेश को कोरोना हो गया, ये बताना है कि रमेश को, देख लीजिए आप सभी सामने देखें एक बार, तुम रमेश को कोरोना हो गया, तो इसमें बताना है कि रमेश को कोरोना हो गया, इसमें कौन सा काल है? हाँ बताओ, तुम बताओ, अभय बताओ, अभय कौन सा काल है? वर्तमान काल। हाँ ठीक है, कौन सा काल है ये? इसमें हो जाएगा वर्तमान काल। मैंने डिटेल से आपको बता रखा है वर्तमान काल कौन सा होगा, भूतकाल कौन सा होगा, भविष्य काल कौन सा होगा। बैठ जाओ अभय। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इस वाक्य में कौन सा काल है कि राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है? बबीता बताओ कि राजस्थान में, लिखूं क्या? हाँ ठीक है, तुम राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इसमें बताना है कि कौन सा काल है? नहीं पता क्या? हाँ तो सुरेश पांडे तुम बताओ कौन सा काल है? हाँ आने वाली है, यानी भविष्य की बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा काल होगा? भविष्य काल। ठीक है, बैठ जाओ, भविष्य काल। यार तुम्हें याद क्यों नहीं है? ठीक है बैठो, कल याद कर आना, बैठ जाओ तुम भी।